Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Kachari ke saath hi Pradesh Bhajpa ki Rajniti mein bhuchal lane wale Adhivakta Ramesh Chand Gupta mamle ki sutradhar bani UP, 4 maha baad hi badal gayi. युवती ने कोर्ट में दिए बयान में रमेश चंद गुप्ता, भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव सिक्का व भाजपा महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। रमेश चंद गुप्ता के सहायिका रही युवती ने साफ कहा है कि रमेश चंद गुप्ता व अन्य ने कभी उनका शारीरिक शोषण किया है और न ही वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी है। तथाकथित रूप से पीड़ित युवती द्वारा अपने आरोपों से पलटे जाने के बाद तीनों आरोपियों ने राहत की सांस ली है। यह बात और है कि पॉस्को एक्ट में जिला कारागार में बंद मेरठ बार एसोसिएशन के तत्कालीन उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को पॉस्को कोर्ट ने खारिज कर दी। माना जा रहा है कि युवती द्वारा पलटे जाने के बाद अब रमेश चंद गुप्ता को हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी। आपको याद होगा कि युवती के बयानों में तमाम सबूतों को आधार बनाते हुए पुलिस ने रमेश चंद गुप्ता, मंत्री संजीव सिक्का व अरविंद मारवाड़ी पर पॉस्को एक्ट लगाया था। इसमें पुलिस ने रमेश चंद गुप्ता व अरविंद मारवाड़ी को बलात्कार में लिप्त बताया था, जबकि संजीव सिक्का को अश्लील हरकत के लिए जिम्मेदार बताया था। रमेश चंद गुप्ता को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया था। महामंत्री अरविंद मारवाड़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरठ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता के खिलाफ सहायिका ने यौन शोषण के आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र बार एसोसिएशन में SSP को भेजा था। इसमें रमेश पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के चलते ही रमेश चंद गुप्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। बरामदगी के बाद युवती ने रमेश चंद गुप्ता के साथ ही दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव सिक्का वे भाजपा के महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी पर भी यौन शोषण के आरोप लगाए थे। अब करीब 4 माह बाद युवती ने न्यायालय स्पेशल जज पॉस्को एक्ट को दिए बयान में सिलसिलेवार तरीके से तीनों सफेद पोशों पर लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। बयान में युवती ने विस्तार से एक एक बिंदु का अपने पूर्व के आरोपों का नकारात्मक जवाब दिया। उधर आज पॉस्को कोर्ट ने शनिवार को रमेश चंद गुप्ता को इस आधार पर जमानत न देते हुए याचिका खारिज कर दी। बताया गया है कि युवती व सारा मामला तीनों सफेद पोशों के पक्ष में होने के बावजूद जमानत न मिलने पर रमेश चंद गुप्ता व उनके अधिवक्ताओं को आशंका थी कि कहीं इस बार की दिवाली जेल की सलाखों के पीछे न मनानी पड़े। आज जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब रमेश के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। 12 नवंबर की दिवाली है। माना जा रहा है कि अब रमेश चंद गुप्ता जेल से बाहर घी के दिए जला पाएंगे, वहीं संजीव सिक्का और अरविंद मारवाड़ी भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही सनसनीखेज खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।